साथियों मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एक बार पुनः आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान का व्यापक क्षेत्र और उसकी विभिन्न इकाइयों की जो चर्चा की श्रृंखला हमने आरंभ की है उसी के क्रम में एक बार एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ साथियों पिछली चर्चाओं की भांति ही आपका प्रेम मुझे यह मिलता रहा है आपकी प्रतिपुष्टि मुझे मिलती रही है और उन प्रतिपुष्टि के आधार पर मैं अपनी चर्चाओं में उन कई बिंदुओं को समावेश करने का भी प्रयास करता हूँ उसी श्रृंखला में ये आज की जो वार्ता है वो स्नातकोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख पर्चा शिक्षा मनोविज्ञान उसकी एक इकाई अभिवृद्धि विकास एवं परिपक्वता के अंतर्गत ही आता है और उसमें विकास के जो सिद्धांत हैं उसकी बात हम करेंगे पिछली चर्चा में हमने अभिवृद्धि विकास और परिपक्वता क्या है उसको समझने का प्रयास किया परिपक्वता के प्रकार को समझने का प्रयास किया परिपक्वता की विशेषताओं को जाना और वो जो समझ हम हमें विकसित हुई है उस समझ के आधार पर आ, विकास के विभिन्न सिद्धांतों की बात भी हमें करनी आवश्यक है क्योंकि बालक के विकास की जहाँ तक हम बात करते हैं और उसके व्यक्तित्व के निर्माण की हम बात करते हैं तो परिवेश की एक विशिष्ट भूमिका होती है वातावरण की एक विशिष्ट भूमिका होती है और अधिगम परिस्थितियों की भी एक विशिष्ट भूमिका होती है जहाँ बालक जन्म लिया है और जिस परिवेश में वो जीवन यापन कर रहा है उसकी भी विशिष्ट भूमिका होती है उसके विभिन्न प्रकार के विकासों की भी भूमिका होती है तो ये सारे जो उपक्षेत्र हैं वो किस तरह से उसके व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं उनको समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने उसके कुछ सूक्ष्म सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उन सिद्धांतों की चर्चा करना बहुत आवश्यक है और उन सिद्धांतों के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि कैसे बालक का विकास होता है और कौन सा सिद्धांत कहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके विकास में इसी लक्ष्य को लेकर आज की चर्चा हम आरंभ करते हैं विकास के सिद्धांत साथियों विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है वह है निरंतरता का सिद्धांत निरंतरता से तात्पर्य कंटिन्यूटी हमने कहा था अभिवृद्धि और विकास दोनों होते हैं हमने यह भी कहा था अभिवृद्धि कुछ वर्षों तक होती है क्योंकि उसमें शारीरिक जो आकार तक सीमित है शरीर के अंग रूप स्वरूप वहां तक सीमित है और वो एक निश्चित अवधि तक रहती है लेकिन विकास निरंतर चलता है तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विकास एक व्यापक शब्द है और उसका कोई अंत नहीं है जीवन पर्यंत मनुष्य जब तक सीखता रहता है विकास चलता ही रहता है इसलिए विकास में निरंतरता की भूमिका होती है इसलिए प्रमुख आधारभूत सिद्धांत ये बताया गया है निरंतरता का सिद्धांत दूसरा व्यक्तिगतता का सिद्धांत व्यक्तिगतता से तात्पर्य दुनिया में इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है उसके व्यक्तित्व में हम समानता कभी नहीं पा सकते चाहे एक ही परिवार में एक ही माता पिता की दो संतान हो दोनों में भी भिन्नताएं मिलेंगी यद्यपि जुड़वा बच्चे होंगे उनमें भी कहीं कुछ अंशों में तो भिन्नता मिलेगी ही 100 परसेंट समानता हम मान ही नहीं सकते उस विचार को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मनोवज्ञानिक कहते हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है अतः प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता दिखाई पड़ती है इसी को ध्यान में रखते रखकर व्यक्तिगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तीसरा है परिमार्जितता का सिद्धांत परिमार्जितता से तात्पर्य मॉडिफिकेशन हमने व्यवहार और विज्ञान को जब समझा था तब हमने कहा था कि बिहेवियर क्या है मॉडिफिकेशन है ना निरंतर परिमार्जन होता रहता है नित नया सीखता रहता है तो यहाँ विकास में भी हम अधिगम की बात करते हैं निरंतर सीखता रहता है तो यहाँ भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विभिन्न प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर जो हम चाहते हैं जो हमारा लक्ष्य है जिस दिशा की ओर हमें बालक को ले जाना है जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण जिस और निर्माण करना है तो उस वांछित दिशा की ओर तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है ऐसा ऐसा वातावरण देकर उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और इस मॉडिफिकेशन का भी कोई अंतिम अंतिम बिंदु नहीं है जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता है उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन की संभावना बनती है इसलिए विकास में परिमार्जिता का सिद्धांत भी लागू होता है चौथा निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत निश्चित तथा पूर्व कथनीय पूर्व कथनीय से मतलब जिसके बारे में हम पहले से प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो अब बालक में आयु के अनुसार कुछ परिवर्तन तो निश्चित रूप से होते हैं कि भाई इतनी आयु उसने प्राप्त कर ली इसलिए ये ये गुण उसमें होंगे अभी पांच वर्ष का हुआ इसलिए बालक इस, इस तरह की अभिव्यक्ति कर पाएगा अभी ये तीन वर्ष का हुआ इसलिए इतना चल पाएगा अभी ये सात वर्ष का हुआ इसलिए इतनी भाषा बोल पाएगा ये हम उसकी आयु के अनुसार बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा उनमें ऐसा उनमें होना चाहिए ठीक है लेकिन आ, कुछ ऐसे भी व्यवहार प्रकट करते हैं बालक जिसके बारे में हम पूर्व कथन भी कर सकते हैं क्योंकि उस आयु से पूर्व वो ऐसे लक्षण दिखाने लग जाता है इसलिए हम कहते हैं इस बच्चे में अतिरिक्त तो, बुद्धि का विस्तार हुआ है या इंटेलिजेंट है और इसका जो डेवलपमेंट है वो शीघ्रता से हो रहा है इसलिए इसके बारे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बालक ऐसा ऐसा व्यवहार प्रकट कर सकता है यह बालक इस स्थिति में ऐसी अभिव्यक्ति या ऐसा परिणाम दर्शा सकता है ऐसे पूर्व कथन भी हम किसी बालक के बारे में कर सकते हैं इसके विकास की पूर्व स्थितियों को देखकर अतः विकास के सिद्धांतों में यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि निश्चित और कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत इसके बाद जो पांचवा सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत समान प्रतिमान से मतलब है इक्वल इक्वल मॉडल है ना ऐ, कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में अपनी प्रजाति के गुण अवश्य पाए जाते हैं प्रत्येक प्राणी में कह सकते हैं मनुष्य क्या प्रत्येक प्राणी में अपनी प्रजाति के गुण अवश्य पाए जाते हैं और उसी के अनुसार वो प्रगति भी करता है तो मैं मनुष्य प्रजाति का हूं तो मुझे मुझ में मनुष्य के गुण अवश्य होंगे तो दुनिया में जितने भी इस विश्व पटल पर इस भूभूमि पर जितने भी मनुष्य हैं हम ये एक सामान्य अपेक्षा कर सकते हैं कि यह मनुष्य है इसलिए इसमें इस, -इस प्रकार के व्यवहार तो निश्चित रूप से मिलेंगे इसलिए कह सकते हैं कि आप जिस प्रजाति में जन्म लिए हैं उस प्रजाति के गुण आप में अवश्य होंगे इसलिए कहा गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत फिर है समन्वयन का सिद्धांत कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है बालक का डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट होता है जिसको हम अभिवृद्धि कहते हैं जिसमें शारीरिक अंगों का विकास होता है और जब गति विकास के अंतर्गत हम उसके मांसपेशियों के विकास की भी बात करते हैं तो इन संपूर्ण अंगों और अंगों के विभिन्न भागों को आवश्यकता के अनुरूप परिस्थिति के अनुरूप अभिव्यक्ति के अनुरूप भावों के अनुरूप ऐसे समन्वय कर लेता है कि सामने वाले को पता ही नहीं लगता जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते करते मेरे चेहरे के भाव प्रकट हो रहे हैं मेरी गर्दन इस तरह से चल रही है मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं मेरी बॉडी मूवमेंट कर रही है तो कोई मशीन नहीं लगी है अंदर कोई बटन नहीं लगी है लेकिन ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है वह स्वतः स्वतः स्फूर्त होता चला जा रहा है और मैं दुनिया के सामने अपने आप को प्रकट कर कर पा रहा हूँ वैसे ही प्रत्येक बालक भी अपने शरीर के संपूर्ण अंगों और अंगों के विभिन्न भागों को अनुसार चलाना सीखता है और वो चलाना किस तरह से हो पाता है वो कोऑर्डिनेशन की वजह से हो पाता है इसलिए विकास में ये जो कोऑर्डिनेशन है उस कोऑर्डिनेशन की विशेष भूमिका होती है उन मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन की भी विशेष भूमिका होती है इसलिए विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो कल्पना कीजिए मनुष्य दंड एक आ, पत्थर की भांति दुनिया के सामने होता आज हम उसको जो गतिमान देखते हैं आज उसमें जो गतिशीलता देखते हैं जो मोबिलिटी हम देखते हैं उसके पीछे इस समन्वय के सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया जैसा कि हमने कहा था कि बालक माता के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण करता है वहीं से उसका विकास आरंभ हो गया और माता के गर्भ में अपना स्थान प्राप्त किया इसका मतलब अपने माता और पिता के कुछ गुण उसमें आ गए और माता और पिता के कुछ गुण उसमें आए तो माता का पक्ष और पिता के पक्ष दोनों के गुण भी उसमें स्वतः आते चले गए जिसको हमने वंशानुक्रम कहा अपने माता से पिता से दादा से परदादा से न जाने कुछ आ, कितने प्रकार के और कैसे गुण उस बालक में स्वतः समाय समाहित हो जाते हैं उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते लेकिन वातावरण में जब वो जन्म लेता है जन्म लेने के उपरांत वातावरण में भी उसको कुछ अवसर मिलते हैं इसलिए कहा गया है कि वंशानुक्रम तो बालक को शक्तियाँ प्रदान करता है और वातावरण उन शक्तियों के अनुरूप उन्हें विकसित होने के अवसर देता है और उसी से बालक का विकास होता है इसलिए हम वंशानुक्रम को भी नहीं नकार सकते और हम वातावरण को भी नहीं निकार सकते, सकते। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ये हेरिडिटी है उसे वो शक्ति देती है और ये वातावरण है वो उन शक्तियों के अनुरूप उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करता है इसलिए इसका जो इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो भी बालक के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए एक अध्यापक के रूप में हमें उन दोनों को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए आगे की वार्ताओं में हम इस पूरे चैप्टर पर पृथक से चर्चा करेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका बालक के विकास में होती है इसके पश्चात एक और सिद्धांत है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत चक्राकार साइक्लिक ऐसा नहीं है कि बालक का विकास रेखीय ही होता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश उसके विकास में शिथिलता आती है या एक क्षतिज की स्थिति आ जाती है और वो धीमी गति से चलता है स्थिर हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह कम भी होता चला जाता है अगर उपयुक्त तो वातावरण न मिले उपयुक्त तो उद्दीपक न मिले उपयुक्त तो प्रतिपुष्टि न मिले उपयुक्त तो अभिप्रेरणा न मिले तो हो सकता है उसके व्यवहार में शिथिलता भी आए कमी भी आए तो हमें लगता है कि बालक पहले इस तरह का व्यवहार दर्शा रहा था अब धीरे धीरे ये व्यवहार जो हम चाहते थे वो नहीं है और अब वो बड़ा स्थिर दिख रहा है कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है और हम थोड़े दिनों के बाद देखते हैं कि उसमें कमी भी दिखती है लेकिन फिर वातावरण में अभी प्रेरणा मिली फिर प्रतिपुष्टि मिली फिर परिस्थितियाँ मिली फिर हम उसके व्यवहार में प्रगति देखते हैं तो इस तरह से ये व्यवहार का जो क्रम है वो एक चक्राकार क्रम है कभी वो रेखी होगा कभी स्थिर होगा कभी बढ़ेगा और बढ़ेगा फिर घटेगा और घटते घटते पुनः बढ़ेगा इसलिए एक चक्राकार रूप में भी ये चलता रहता है इसलिए साथियों बालक के इन विभिन्न परिस्थितियों को विभिन्न पड़ावों को अगर विभिन्न अवस्थाओं को अच्छी तरह से समझना है और बालक के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझना है जानना है तो हमें निश्चित रूप से बालक के लिए मनोवैज्ञानिकों ने उसके विकास की विभिन्न आयामों को ध्यान में रखकर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं अगर इन सिद्धांतों को हम ध्यान से समझें तो एक बार जहन में सिद्धांतों को रखें और एक बार कल्पना में बालक के व्यक्तित्व को ध्यान में रखें कक्षा कक्ष में अनेक बालक हमारे सामने उपस्थित होते हैं उन अनेक बालकों के चेहरों को ध्यान में रखें तो हमें लगेगा कि हर एक बालक में न जाने कौन कौन सा सिद्धांत उसके विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है तो वो एक साक्षात दर्शन होंगे इन विकास के सिद्धांतों की बालक के व्यक्तित्व के साथ इसलिए कक्षा कक्ष में जब बालक के साथ अंत करें तो मनोवज्ञान के ए, इन सिद्धांतों को अपने जहन में रखते हुए जब बालक के साथ चर्चा परिचर्चा में अपने आप को संलग्न करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होगी आपकी और आपके शिक्षा के क्षेत्र में एक एक, एक महत्वपूर्ण जो आपका दायित्व है उस दायित्व को पूरा करने में आप अपने को सक्षम सिद्ध कर सकेंगे इसी आशा के साथ आज की इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना आपको आप पुनः धन्यवाद